वो कांग्रेस का कद्दावर नेता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसकी जान बचाई थी। बीजेपी का वो कट्टर विरोधी है और अपने शब्दों के बाढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर निशाना साधता रहता है। उसके पिता 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। जाट बिरादरी का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता उसे ही माना जाता है। राहुल गांधी के वो भरोसेमंद लोगों में से एक है। चुनाव में उसने मुख्यमंत्री तक को हरा दिया था। अनसुनी कहानियों में आज कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला की कहानी बताते हैं। I don't want to use the word of our Prime Minister, who often speaks about Congress Mukt Bharat, but people of Karnataka have ensured that BJP Mukt South India has happened. तानाशाह डरता है तो तब तब वो नौटंकी करता है, ये इस देश की अब सच्चाई बन गई है। नफरत की दुकान चलाने वाले अब मानसिक मनोरोग के शिकार हो गए। नफरत की आग में धधकते हुए वो पक्की बेवकूफियां करते हैं हर रोज। अंधेरों को चांदनी बताकर बेच रही एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली सरकार की 2 लाइनों में, दुष्यंत जी मेरे साथी की लाइनों में नहीं, दुष्यंत जी की लाइनों में एक परिभाषा, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। मोदी सरकार की किसानों को असली सौगात है, पीठ पर लाठी और पेट पर लात, ये कटु सत्य बन गया। बात 1984 की है। उस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शुमार थे। रणदीप भी युवा कांग्रेस के जरिए सियासत में कदम रख चुके थे। 1984 के चुनाव में जब रणदीप के पिता दिल्ली में थे, उसी दौरान उन्होंने पिता का चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया। 17 साल के रणदीप ने पिता के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत की और लोगों के बीच जाने लगे, लेकिन इसी दौरान वो हेपेटाइटिस बी के शिकार हो गए। उन दिनों हेपेटाइटिस बी को लाइलाज बीमारी माना जाता था। रणदीप के हालात इतने खराब हो गए कि वो बेहोश होने लगे। रणदीप की हालत इतनी खराब हो गई कि वो लगभग कोमा में ही चले गए। डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लिखा जिससे रणदीप की जान बच सकती थी, लेकिन वो इंजेक्शन उस समय भारत में नहीं मिलता था बल्कि इंग्लैंड में मिलता था। ऐसे में रणदीप के पिता को चिंता सताने लगी कि आखिर इंजेक्शन इंग्लैंड से कैसे मंगाया जाए। रणदीप सुरजेवाला की स्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में राजीव गांधी सुरजेवाला के लिए देवदूत बनकर आए। जब शमशेर सिंह ने राजीव गांधी को रणदीप की स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने आनन फानन में अपने एक पायलट मित्र से बात की और इंजेक्शन को इंग्लैंड से मंगवाया। इंग्लैंड से आया इंजेक्शन रणदीप सुरजेवाला के लिए संजीवनी साबित हुआ और उनकी जान बच गई। रणदीप सुरजेवाला की बीमारी के दौरान जिस तरीके से राजीव गांधी ने मदद की, उसका जिक्र खुद शमशेर सिंह सुरजेवाला ने किया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, वैसे भी रणदीप को एक बार जीवनदान परमात्मा ने ही दिया, जब राजीव गांधी ने मेरी देवदूत की तरह मदद की थी। रणदीप को हेपेटाइटिस बी हो गया था, वो बेहोश हो गया। पीजीआई के डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लिखा जो उस वक्त इंग्लैंड में ही मिलता था। तब राजीव जी ने आनंद फानन में अपने किसी पायलट मित्र से फोन पर बात की और इंग्लैंड से इंजेक्शन मंगवाया। वो इंजेक्शन रणदीप के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर गया। दरअसल रणदीप के पिता शमशेर का कहना था कि पत्नी के निधन के बाद ये उनके जीवन का सबसे भयानक पल था। 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में नैन वंश में एक जाट परिवार में जन्मे रणदीप सिंह सुरजेवाला को सियासत विरासत में मिली तो रणदीप ने कम उम्र में ही राजनीति में धमाल मचाना शुरू कर दिया। महज 17 साल की उम्र में रणदीप को हरियाणा के युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। दरअसल नरवाना के आदर्श बाल मंदिर स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्होंने डीएवी स्कूल से 1981-85 के दौरान बीकॉम की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और यहाँ से उन्होंने 1988 में एलएलबी की डिग्री पूरी की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद महज 21 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली की वकालत फर्म में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वकालत फर्म में कानून की बारीकियां सीखने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से ही सुरजेवाला ने 1995 में राजनीतिक विज्ञान में एमए किया।
इसके बाद उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। रणदीप के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, लेकिन वो मानते थे कि रणदीप के आने के बाद ही उनकी किस्मत चमकी। संयोग देखिए कि 1967 में ही रणदीप का जन्म हुआ और उसी साल उनके पिता शमशेर पहली बार विधायक बने। पहली बार विधायक बनते ही शमशेर मंत्री भी बन गए थे। इसके अलावा कई ऐसे अवसर आए जब जब रणदीप के जीवन में कोई अहम मोड़ या खास साल रहा तो उस साल उनके पिता को बड़ी सफलता मिली। रणदीप सुरजेवाला अपने माँ बाप की चौथी संतान है। जिस साल रणदीप का जन्म हुआ था उसी साल उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अपनी आत्मकथा में शमशेर सुरजेवाला ने लिखा है, रणदीप का जन्म चंडीगढ़ पीजीआई में हुआ था। जब उसका जन्म हुआ मैं सरकार में मंत्री था। जब उसने 12वीं पास की मैं मंत्री था। जब वो बीकॉम पास किया मैं मंत्री था। और जब वो एलएलबी पास किया और शादी हुई तब भी मैं मंत्री था। रणदीप मेरे भाग्य का सितारा है और हरियाणा की राजनीति को भी उससे बहुत उम्मीदें हैं। शमशेर सुरजेवाला का मानना है कि रणदीप की कार्यशैली और अंदाज की वजह से उसके विरोधी भी उसके फैन हैं। रणदीप सुरजेवाला को सियासत भले ही विरासत में मिली, लेकिन जब वह चुनावी मैदान में कूदे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा दिया। 2005 के विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला ने तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हराकर सनसनी फैला दी थी। इससे पहले 1996 में भी वह ओम प्रकाश चौटाला को हरा चुके थे। कम उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले रणदीप ने दिग्गजों को हराकर साबित कर दिया था कि वो राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं। युवा कांग्रेस में तमाम पदों पर काम करने के बाद रणदीप सुरजेवाला को 1993 में पहली बार विधानसभा का टिकट दिया गया। उपचुनाव में सुरजेवाला पर पार्टी ने दांव लगाया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी ने 1996 के चुनाव में उन्हें दोबारा विधानसभा का टिकट दिया। इस बार सुरजेवाला ने सियासी भूचाल मचा दिया और ओम प्रकाश चौटाला को हराकर विधानसभा का टिकट कटाया। इसके बाद तो उन्होंने विधानसभा में जीत का चौका ही लगा दिया। सुरजेवाला साल 2000, 2005, 2009 और 2014 में विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बने। 2014 में मोदी लहर में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, लेकिन सुरजेवाला अपनी सीट जीतने में कामयाब रहे। एक तरह से उन्होंने मोदी लहर में भी बाजी मार ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले सुरजेवाला को 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिस समय रणदीप को मंत्री बनाया गया वो हरियाणा के सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बन गए। 2005 में रणदीप को परिवहन व नागरिक उड्डयन, जन निर्माण विभाग और संसदीय कार्य मंत्रालयों जैसे बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं 2009 में जब राज्य में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सुरजेवाला को कई बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी। साल 2009 में सुरजेवाला को जलापूर्ति व सैनिटेशन, संसदीय कार्य, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा जन निर्माण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। जब हरियाणा की सियासत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका वर्चस्व को लेकर जंग हुआ तो पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। पार्टी ने उन्हें महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बनाया ही, साथ ही कर्नाटक का प्रभारी भी बना दिया। इसके बाद 2022 में उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भी भेजा गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस का बुरा दौर शुरू हुआ तो कई नेता दूसरी पार्टियों में जाने लगे। इसके अलावा पार्टी के नेता और प्रवक्ता बयानबाजी से बचने लगे, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे। 2014 में सुरजेवाला को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया तो उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। काला धन और रोजगार को लेकर उन्होंने मोदी सरकार से तीखे सवाल किए। पार्टी ने उन्हें कम्युनिकेशन विंग का प्रभारी बना दिया। कांग्रेस में बड़े पदों पर पहुंचने से पहले सुरजेवाला ने युवा कांग्रेस में अपना लोहा मनवाया था। साल 2000 में उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। वो हरियाणा के पहले शख्स बने थे जो इस मंच पर पहुंचे थे। रणदीप 5 सालों तक इस पद पर रहे। उनकी अगुवाई में 20 अगस्त 2002 को युवा कांग्रेस ने एक दिन में ही 14,079 यूनिट रक्तदान करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। युवा कांग्रेस में सुरजेवाला ने अपनी काबिलियत दिखाई तो उन्हें पार्टी की मुख्यधारा में जगह मिल गई। साल 2004 में उन्हें कांग्रेस का सचिव बनाया गया। इसके बाद उन्हें हरियाणा का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया।
युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई ऐसे काम किए जिससे उनको खूब लोकप्रियता मिली। दरअसल एक बार राजस्थान में काफी सूखा पड़ गया था। उस वक्त सुरजेवाला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने राजस्थान के सूखा प्रभावित इलाकों के गौशालाओं के लिए चारे के 121 ट्रक भेजकर युवा कांग्रेस की शक्ति का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा साल 2000 में गुजरात के सूखा प्रभावित जामनगर, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर को 15 लाख लीटर से अधिक पानी भेजा गया था। 2001 में गुजरात में भूकंप आए तो सुरजेवाला की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने 50 ट्रकों में 500 टन राहत सामग्री सामान भेजा था। वहीं रणदीप सुरजेवाला के निजी जीवन की बात की जाए तो 1991 में गायत्री के साथ वो शादी के पवित्र बंधन में बंधे। सुरजेवाला आदित्य और अर्जुन दो बच्चों के पिता हैं। समाज सेवा से लेकर सियासत, हर जगह रणदीप सुरजेवाला ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। कांग्रेस के अच्छे दिनों से लेकर बुरे दिनों तक वह पार्टी के मजबूत स्तंभ बने रहे। जब विरोधी राहुल गांधी को सीधा टारगेट कर रहे थे तो उस वक्त रणदीप आरोपों का न सिर्फ पलटवार कर रहे थे बल्कि सत्ताधारी पार्टी से तीखे सवाल भी पूछ रहे थे। भले ही सुरजेवाला को सियासत विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने हर मोर्चे पर खुद को साबित किया, जिसकी वजह से आज भी वह कांग्रेस आलाकमान के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते हैं। अनसुनी कहानियां में आज सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।